अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लुकमान टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंडियन स्टाइल पास्ता रेसिपी मकरूनी। हम इस मज़ेदार पास्ते को बनाने के लिए ना ही हमें इसमें कोई केचप्स, गार्लिक सॉसेस कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार पास्ते को बनाना शुरू करें। तो मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है और उसमें मैं डालने रही हूँ 1 कप भर के पास्ता। डाल के हमें इसको 2 बार अच्छे से ढो लें। मैंने इसको 2 बार अच्छे से ढो लिया। 1 कप पास्ता के लिए मैंने डाले रही हूँ 2 कप भर के पानी और बिल्कुल थोड़ा सा। अब हम उसमें डालेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पे पास्ता को भरा हुआ सॉल्ट को डाल लिया। अब उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। डाल के हमें इसको चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स करें। तेल डालने से पास्ता हमारा एक चिपके बिना अच्छा रहता है, इसलिए मैंने इसको मीडियम हाई फ्लेम में 2 विजिल रख लूँगी। ये देखिए 2 विजिल आ गया है। इसमें का प्रेशर पूरा जा चुका है, इस तरह बन चुके हैं। और इसमें का गर्म पानी को मैंने फेंके इसमें रिप्रेस करके ठंडा पानी को डाल लिया और पास्ता को थोड़ी देर बाजू को रख लें। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स में गाजर, बीन्स, आलू, गार्लिक, प्याज लिया है और 1/2 कप मटर। तो चलिए अब हम इसको बघार डालें। बघार डालने के लिए स्टोव पे मैंने एक कढ़ाई रख लिया, उसमें मैं डाले रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के तेल। तेल हमारा गरम हो चुका है, उसमें मैं डालने रही हूँ कट करके रखा हुआ 4 लहसुन के कलियाँ। डाल के मैंने इसको 30 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम में भून लिया। लहसुन हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है, उसमें मैं डाल लिया कट करके रखा हुआ बड़ा साइज़ 1 प्याज। डाल के हमें प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन है तक इसको मीडियम फ्लेम में भून लें। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है, उसमें मैं डालने रही हूँ कट करके रखा हुआ बड़ा साइज़ 1 आलू। अब उसमें हम डालेंगे बारीक कट करके रखा हुआ बीन्स। मैंने यहाँ पे 25 बीन्स को लेके इस तरह बारीक फाइनली चॉप कर लिया और 1 बड़ा साइज़ गाजर। डाल के हमें इसको इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। अब हम उसमें डालेंगे मटर। डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स करें। अब उसमें मैं डालने रही हूँ वेजिटेबल्स को भरा हुआ सॉल्ट स्वाद अनुसार। आपके टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। डाल के इसको एक वीडियो में दिखाया जैसे अच्छे से मिक्स करके लिड कवर करके पका लेंगे। मैंने इसको लिड कवर करके 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लिया। वेजिटेबल्स हमारा 50% गल गए हैं। मैंने इसको बीच में 1 बार अच्छे से मिक्स करके दोबारा लिड कवर करके पका ले रही हूँ। मैंने इसको दोबारा 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लिया। वेजिटेबल्स हमारा अच्छे से पक गए हैं, ये देखें आप भी देख सकते हैं। आलू भी हमारा अच्छे से इस तरह गल चुका है। इस समय अब उसमें हम डालेंगे ग्राइंड करके रखा हुआ बड़ा साइज 1 टोमेटो पेस्ट। डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें। अब उसमें मैं डालने रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी और 3/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। डाल के इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। वेजिटेबल्स हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। अब उसमें मैं डालने रही हूँ पहले से गला के रखा हुआ मकरोनी पास्ता। डाल के इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। मैंने इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आखिर में हम उसमें डालेंगे कट करके रखा हुआ हरा धनिया। और 1/2 नींबू, छोटा साइज 1/2 नींबू। डाल के इसको 1 बार अच्छे से मिक्स करें। तो ये रही सिंपल एंड इजी रेसिपी मकरूनी बनाना। और भी मज़ेदार रेसिपियों के लिए अब तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम इसको सर्व करें। इस रेसिपी को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।